नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सेल। हम सबको पता है, सभी जीव जंतु जानवर सेल से बने हुए। आज हम सेल के बारे में जानेंगे, सेल की डेफिनेशन क्या है वो जानेंगे, और सेल की हिस्ट्री जानेंगे। किन किन साइंटिस्ट ने सेल डिस्कवरी में अपना योगदान दिया है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ये जीव जानवर और जंतुओं के सबसे छोटी यूनिट है। सेल इज अ नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जे कि कोई बिल्डिंग में, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग बहुत सारे कमरे से बनी होती है। हर कमरा दीवारों से बना होता है और हर दीवार ब्रिक से और ब्लॉक से बनी होती है। उसी तरह हमारा शरीर भी सेल से बना हुआ है, और बहुत सारे सिमिलर टाइप के सेल्स एक साथ आते तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू बनकर एक साथ आते तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एक साथ आते तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और हमारा जो शरीर है ऑर्गन सिस्टम से बना है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, ब्लॉक से बनी है, ब्लॉक वॉल से बना है, बहुत सारे वॉल से रूम बना है और बहुत सारे रूम से बिल्डिंग बनी है। सेम उसी तरह सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक हॉर्स है, हॉर्स एक सेल्स से बना है। सेल्स जब सिमिलर टाइप के सेल्स एक साथ आते तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, और बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। वैसे प्लांट सेम वैसे ही सिस्टम है, हर प्लांट्स सेल से बना है। जैसे कि सिमिलर टाइप के सेल्स एक साथ आते हैं, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सेल्स जो है, सेल्स सबसे छोटी यूनिट है हर लाइफ की। तो सेल की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं हम? व्हाट इज़ द सेल डेफिनेशन? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन। सेल सेल हमारा जो आकार है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिकॉज ऑफ सेल। और हमारे शरीर में जो भी फंक्शन चलता है, बॉडी फंक्शन, वो सेल से शुरू होता है। इट्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि एक सिंगल सेल अमीबा है, अमीबा में भी बहुत सारे फंक्शन चलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन का फंक्शन है, सर्कुलेशन, सेंसेशन, वैसा जो भी हमारे शरीर का फंक्शन है वो स्पेसिफिक ऑर्गन करता है। उसी तरह एक सिंगल सेल में वही फंक्शन होते हैं, जैसे कि कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ में एक नेसेसरी फंक्शन है वो सिंगल सेल में होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कैन परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द। अगर हम सेल हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, इन्होंने पहली बार सेल को देखा था 1665 में। 1665 में उन्होंने एक लकड़े का ब्रिक टुकड़ा लिया था, उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा था, जो खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है उसमें देखा था। ही डिस्कवर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क स्लाइस। जो कॉर्क स्लाइस उन्होंने लिया था उसमें उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, जो कि वो डेड सेल था। यूजिंग प्रिमेटिव कंपाउंड, उसके खुद के बनाए हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। ही ऑब्जर्व स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, ही कॉइन द टर्म सेल। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी उन्होंने सेल कॉर्क लिया था उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उन्होंने हर कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। इसका मतलब है फ्रॉम लैटिन सेला, सेला में स्मॉल रूम। जैसे कि हमारे बिल्डिंग में स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं, रूम होते हैं, उसी तरह उन्होंने ऐसे रूम जैसे हर कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। उसी हर कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। उसके बाद एंटोन वैन लीवेनहुक, उन्होंने 1665 में ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल अंडर देयर ओन प्रिपेयर माइक्रोस्कोप। ही ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल अंडर देयर ओन माइक्रोस्कोप। ही व्हाइल यूजिंग माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन पॉन्ड वाटर, ही ऑब्जर्व डजन्स ऑफ प्रोटिस्ट विच ही कॉल्ड एनिमेलिकल्स एज वेल एज फायरोगैरा और ग्रीन एल्गी। तो पहली बार लिविंग सेल लीवेनहुक उन्होंने ऑब्जर्व की उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में। पहला जो भी लिविंग सेल है उन्होंने लीवेनहुक उन्होंने देखा है, और पहला डेड सेल रॉबर्ट हुक उन्होंने देखा है।
मैथ्यू जैकोब शेल्डन, ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट. ही एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड फ्रॉम टिश्यू ऑफ द प्लांट. मैथ्यू जैकोब शेल्डन, इन्होंने 1838 में बहुत सारे प्लांट को एग्जामिन किया और बहुत सारे प्लांट का एग्जामिन करने के बाद उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि हर प्लांट्स एक सेल से बना है और वो सेल्स टिश्यू बनाती. उसके बाद थियोडर स्क्वान, अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, स्टडी अ लार्ज वराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल, ऑब्जर्व द सेल हैव अ थिन आउटर कवरिंग व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ही कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट. थियोडर स्वान, इन्होंने 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स का स्टडी किया, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट का स्टडी किया और ऑब्जर्व किया कि हर सेल हैव अ थिन आउटर कवरिंग. हर सेल किसी न किसी आउटर कवरिंग से बनी हुई, उसके उसके ऊपर कोई तो लेयर है, व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसी को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. उन्होंने जब डिस्कवर किया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया गया था, खाली उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कोई तो आउटर कवरिंग है जो कि आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर. सेल वॉल होना एक यूनिक कैरेक्टर है सब प्लांट का. सेल थ्योरी, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय द शेल्डन एंड श्वान. अकॉर्डिंग टू टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ दिस टू साइंटिस्ट, जैसे कि हमने देखा शेल्डन, उन्होंने बहुत सारे प्लांट का ऑब्जर्व किया और श्वान ने बहुत सारे एनिमल प्लांट का ऑब्जर्व किया. उनके बेस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनके बेस उन्होंने एक थ्योरी बनाई, उसे बोलते हैं हम सेल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स. ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, जो भी लिविंग थिंग्स है दुनिया में, जो भी जीव है वो सेल से बने हुए. सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज सबसे छोटा और बेसिक यूनिट है हर लाइफ का. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यार सब सेल से बने हुए. ड्रॉबैक, इस थ्योरी का ड्रॉबैक है कि इन्होंने दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वेर फॉर्म. ये थ्योरी जो है सेल थ्योरी शेल्डन और श्वान की, ये प्रूव नहीं कर पाई, ये बता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि न्यू सेल कैसी फॉर्म होती, न्यू सेल कैसी बनती. उसके बाद रुडोल्फ फिर्चो, इन्होंने 1855 में एक खोज निकाला कि जो सेल है प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल है न्यू सेल कैसी बनती. अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू सेल्स अराइज फॉर्म बाय सेल डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. जो भी सेल है वो सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, जो भी ऑलरेडी सेल है वहाँ से सेल डिवीजन से न्यू सेल बनती है, उसे हम बोलते हैं ओमने सेलुला ई सेलुला. इसे ही कहा जाता है, उनकी भाषा में बोला जाता है, लैटिन वर्ड में बोला जाता है ओमने सेलुला ई सेलुला. इसका मतलब जो भी सेल है वो सेल कैसी बनती है, पुरानी सेल से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल. न्यू सेल इज फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक रुडोल्फ फिर्चो ने कंप्लीट किया, उसे बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी. इन लेटर ईयर एडवांस रिसर्च इन साइटोलॉजी लेड टू मॉडिफिकेशन सेल हिस्ट्री व्हिच इज नाउ नोन एज मॉडर्न सेल थ्योरी. बट इज द पोस्टुलेट ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी, उसके कुछ अजम्पशंस थे, पोस्टुलेट्स थे. व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो भी सेल्स हैं सब सभी ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए. लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल है वो न्यू सेल कहाँ से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल एक अपना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ का. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ. टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो एक्टिविटी सेल में होती है सभी हमारे बॉडी में होती है, हम बोल सकते हैं टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, जो एक्टिविटी सेल्स में हो रही है वही एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिज्म. द सेल कंटेन हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन डी एन ए विच इज पास ऑन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन. द सेल कंटेन हेरिडेटरी, सेल्स में हेरिडेटरी मटेरियल है कुछ, जैसे कि डी एन ए आर एन ए, वो डी एन ए आर एन ए विच इज पास वन फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन. हेरिडेटरी कैरेक्टर है वो पास होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय सेल डिविजन. सेल डिविजन से हमारे शरीर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो पास होता है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट इन सेल डिस्कवरी, इसके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है सेल डिस्कवरी में. जैसे कि पहले हमने देखा रॉबर्ट हुक, 1665 में रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल की डिस्कवरी की.
उसके बाद 1675 में एंटोन वैन लियोन हु इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोजोआन बैक्टीरिया, जो लिविंग सेल है वो लिविंग सेल इन्होंने डिस्क्राइब किया, पॉन्ड वाटर और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप ने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब एक फर्स्ट लिविंग सेल जिन्होंने देखा है वो है लिवेन हुक। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, सेल न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। 1857 में अल्बर्ट हॉर्न कॉलिकर इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। 1839 में शेल्डन एंड शॉन ने सेल थ्योरी प्रपोज की, सेल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया, सेल थ्योरी इज प्रपोज बाय शेल्डन एंड शॉन। 1855 में रुडोल्फ विर्चो इन्होंने न्यू सेल इज फॉर्म बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी न्यू सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, उसी को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला इज सेलुला। 1980 में इवेन एंड कॉफमन ने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को डिस्कवर किया फ्रॉम माइस। 1998 में जेम्स थॉमसन इन्होंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ऑब्जर्व किया फ्रॉम ह्यूमन सेल, ह्यूमन में जो एम्ब्रियोनिक सेल है ह्यूमन में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को इन्होंने डिस्कवर किया। 1898 में कैमिलो गोल्गी इन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया, जो भी सेल में गोल्गी एपरेटस होता है उसका डिस्कवर गोल्गी कैमिलो गोल्गी इन्होंने किया। तो इसी तरह सेल की डिस्कवरी होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें।